आपका कल्याण इसी में है कि इस पार्टी को आप उखाड़ के फेंक दो, इसको निकाल दो, बटेंगे तो कटेंगे। किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। अब दूसरों को बोल रहे, जो मोदी जी के सेक्रेटरी को पावर है वो मिनिस्टर को भी नहीं, उसके चपरासी को जो पावर है वो एमएलए एमपी को भी नहीं देता है। जब तक आप बीजेपी को झारखंड से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण इसी में है कि इस पार्टी को आप उखाड़ के फेंक दो, इसको निकाल दो। इसके विचार सड़े हुए हैं, इसके विचार झगड़ा लगाने का है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है शेष लड़वाने का। मैं कहीं सुना भाई जा तो मालूम कि यूपी में कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बटेंगे, हाँ बटेंगे तो कटेंगे। किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। अब दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है? अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी, कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में। ऐसी स्थिति है और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है, इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक इसको आप नहीं तोड़ेंगे तुमको ये लोग शोषण करते रहेंगे। वो बोलते हैं अरे मैं एक दलित को इस देश का अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाए, राष्ट्रपति बनाए, एक आदिवासी को भी राष्ट्रपति बनाए। हाँ बनाए भाई, नाम के वास्ते मत बनाओ, उनके हाथ में काम दो, काम कर लो और उनको अधिकार दो, सिर्फ तुम्हारे पीछे फिरने के लिए नहीं। मिनिस्ट्री मैं इतना दिया, वो मिनिस्टर को क्या पावर है? जो मोदी जी के सेक्रेटरी को पावर है वो मिनिस्टर को भी नहीं, उसके चपरासी को जो पावर है वो एमएलए एमपी को भी नहीं देता है। तो ऐसा इससे लोकतंत्र मजबूत होती है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।